अच्छा जी, हम लोगों ने थ्रेड्स की बात शुरू की थी, और इसेंशियली जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा है जो कि रेलेवेंट है हमारे साथ, जिसको हम आगे चलाना चाहते हैं, बाकी सारी कहानी तो ख़त्म होगी पीछे, लेकिन जो रेलेवेंट है वो है कि यू आर गोइंग टू हैव मोर देन वन थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। सो एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन ये चल रहा है, एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन ये चल रहा है, कोई स्लो चल सकता है, कोई तेज़ चल सकता है, किसी की बारी पहले आ सकती है, किसी की बारी बाद में आ सकती है। इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए हमारे पास कुछ मसाइल पैदा होते हैं, और कुछ हमें उनको कैटर करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को देख लें दोबारा, कि ज़रा सा रिफ्रेश हो जाए। अगेन, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। सो कंकरेंट थ्रेड्स या प्रोसेसेस वो होते हैं इनफॉर्मली, अगेन फॉर्मल इनकी जो डेफिनेशन है उसमें हम नहीं जा रहे, इफ़ दे रन एट द सेम टाइम। ठीक है जी। सो ईदर दे रनिंग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, दो कोर्स हैं, ये यहाँ रन हो रहा है, ये वहाँ पे रन हो रहा है, दोनों एक साथ रन हो रहे हैं, या फिर ये है कि दे लुक लाइक दे रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहले एक को बारी मिलती है, थोड़ी देर बाद उसको रोक देते हैं, दूसरे को बारी देते हैं, फिर उसको रोक देते हैं, इसको बारी देते हैं, तो इंटरलीव्ड हैं दोनों एक दूसरे के साथ। कोर एक है, प्रोसेसर एक है, लेकिन आपके पास वो इंटरलीव होकर रन हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इंटरलीव का मतलब है कि इस तरीके से कभी किसी की बारी आ रही, कभी किसी की बारी आ रही। सो इट कैन बी किसी की बारी थोड़ी है, किसी की बारी ज़्यादा है, बट इट्स गोइंग टू रन इंटरलीव एक कोर के ऊपर। ठीक है, तो दोनों को हम कंकरेंट कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉब इंटरव्यूज़ में ये पूछते हैं कि ये इंटरलीव वाली चीज़ को साइमल्टेनियसली कहते हैं, और जब एक्चुअल दोनों एक साथ रन हो तो उसको कंकरेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें, दे यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है जी। जॉब इंटरव्यूज़ में जब पूछते हैं ना साइमल्टेनियस और कंकरेंट में क्या फ़र्क है, तो साइमल्टेनियस कहते हैं व्हेन दे अपियर टू बी रनिंग एट द सेम टाइम। ठीक, ओके। अच्छा जी, दूसरी चीज़, ये का मतलब मतलब एक्चुअली एक टाइम पे रन नहीं हो रहे, आप किसी भी एक टाइम यूनिट को अगर देखें कि इस वक्त अभी बताओ कौन सा रन हो रहा है, तो कोई एक रन हो रहा होगा। अगर दो अलग अलग कोर्स हैं तो आप ये कहेंगे इस पे थ्रेड वन रन हो रहा है, इस पे थ्रेड टू रन हो रहा है, लेकिन अगर एक ही कोर है तो आप कहेंगे भाई अभी इस टाइम पे थ्रेड वन रन हो रहा है, थोड़ी एक कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद थ्रेड टू रन हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद थ्रेड वन रन हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद कोई और प्रोसेस रन हो जाएगा। जी, ये स्केड्यूलर ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिर्फ चीज़ देख रहे हैं वो ये कि कंकरेंट कहते हैं किसको है, कि इधर दे रन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम या दे अपियर टू बी रनिंग एट द सेम टाइम। और थोड़ी देर में हम ये देख लेंगे कि हमें दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हमारे लिए बराबर है, एज प्रोग्रामर्स हमारे लिए दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, जो मसला पैदा होगा वो दोनों में एक जैसा पैदा होगा। हमारे लिए इस तरह एक ही चीज़ है, क्योंकि चाहे कंकरंट हो चाहे साइमल्टेनियस हो, जो मसला भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों में आता है, वैसे एज इट इज एक ही जैसा मसला आता है। ठीक है, मसले को भी देखते हैं। एसिंक्रोनस इस बात को कहा जाता है कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते कि तुम कब रन होगे और मैं कब रन होगा। ठीक है, दोनों की टाइमिंग जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डाटा की बात नहीं हो रही। हो सकता है डाटा शेयर करते हो, कभी मैं एक डाटा के ऊपर काम कर रहा हूँ, कभी आप एक डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 8 बजे काम करना है तो तुम भी 8 बजे काम करो। ठीक है जी, मैं 8 बजे काम कर रहा हूँ, आई डोंट केयर व्हेन यू आर गोइंग टू रन। ठीक है, इसको कहते हैं एसिंक्रोनस, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। थ्रेड्स में, प्रोसेसेस में, सब में ये बात है, जनरल कंकरेंसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, आगे जो लफ्ज लिखा है मैं बोल देता हूँ कि देर में बिजली भी ज्यादा आ जाए। सो आगे लिखा है इंडिपेंडेंट, सो देर इंडिपेंडेंट विच मीन्स के एक दूसरे के ऊपर डाटा की रिलायंस कम है। दोनों बातों में फर्क देखें, ए सिंक्रोनस का मतलब है कि एक दूसरे के साथ टाइमिंग वो सिंक्रोनाइज नहीं करते कि मैं इस वक्त रनूंगा तुम इस वक्त रनोगे, स्केड्यूल जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता। और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि डाटा सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता। ठीक है जी, या कम किया जाता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस है, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इसको कहें कि मिनिमम डिपेंडेंस है दोनों की एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन आते हैं उसकी तरफ। इंडिपेंडेंट के डाटा वो आपस में मिनिमम शेयर करेंगे, और एसिंक्रोनस की वो टाइमिंग एक दूसरे के साथ नहीं बराबर करेंगे। सर, तो उसमें वो आ सकते हैं जो आपने बताया था कॉपी एंड राइट का कॉन्सेप्ट, आने को तो आ सकता है, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि दोनों का आपस में, क्योंकि कॉपी ऑन राइट बगैर कंकरेंसी के भी हो सकता है, कंकरेंसी कॉपी ऑन राइट के बगैर भी हो सकती है। आगे लफ्ज लिखा है सिंक्रोनस, ये जरा बिजली आ जाए बड़ी मेहरबानी होगी। चलें, ए सिंक्रोनस का ऑपोजिट जो है वो सिंक्रोनस है, सिर्फ ये टर्म्स हैं, आगे जाके टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे टर्म्स सिर्फ बता रहे हैं। सो सिंक्रोनस इज के जब एक दूसरे के साथ टाइम की सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़े। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है कि आपके पास एक दूसरे की टाइमिंग के साथ वो नहीं होगी, स्केड्यूलिंग एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, और सिंक्रोनस का मतलब है कि आई विल वेट फॉर यू टू फिनिश समथिंग एंड देन यू वेट फॉर मी टू फिनिश समथिंग, इस तरीके से चीज़ चलेगी। ठीक है जी,
एंड फाइनली पैरेलल, कि जब कोई दो चीज़ें, ये वही कंकरेंट वाली बात है कि जब ये दो चीज़ें एक साथ दो अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर रन हो रही हैं, ठीक है यहाँ तक सही। एक कंकरेंट की दो किस्में हैं, एक पैरेलल और एक साइमल्टेनियस, ठीक है। तो कंकरेंट का जो वो है ना कि दो अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर एक टाइम पे चीज़ें रन हो रही हैं, उसको हम पैरेलली रनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रन होने का मतलब है कि दोनों एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर दो अलग अलग जगह पे रन हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू कोर्स, ठीक है, टू कोर्स आपको चाहिए या टू प्रोसेसर चाहिए। फिर पैरेललिज्म नहीं अचीव कर सकते, ठीक हो गया। जब तक आपके पास एक से ज़्यादा कोर्स नहीं है तो कोई भी दो चीज़ें एट द सेम टाइम रन नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोसेसर जो है एज फार एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न, प्रोसेसर एक टाइम पे अगर एक कोर है तो वो किसी एक थ्रेड को रन कर सकता है, ठीक है जी। हमारे पास हमारे प्रोसेसर पॉड कोर है, ठीक है, और हमने कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि वो दो कोर की दो कोर फारिग रहेंगे। इसी वजह से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारी कहानी पढ़ने का जो मकसद है, यहाँ पे बात आती और चली जाती है, इसका मकसद ये है कि जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आते हैं और आपकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि मेरा काम तेज हो, अक्सर जगहों पे चाहिए होता है, हर जगह पे नहीं चाहिए होता, अक्सर जगहों पे चाहिए होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा कहेंगे मेरा काम हमेशा तेज हो, ये ज़रूरी नहीं है वैसे, बाय द वे कहीं जाके देख लेंगे बाहर। सो व्हेन यू डू रिक्वायर कि आपका काम तेजी से रन हो, तो यू नीड टू कोड इट इन अ वे दैट यूटिलाइजेस दीज कोर्स, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू रन ऑन वन थ्रेड ओनली, यू विल ओनली बी गिवन वन कोर एट मैक्स। आपका ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए फिर कुछ कर सकता है, ना आपका सीपीयू आपके लिए कुछ कर सकता है, यू विल बी रनिंग ऑन वन कोर, बाकी के कोर्स आए होंगे। सो इफ यू डू वॉन्ट टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, यू हैव टू स्प्लिट इट इन टू मल्टीपल कोर्स, ठीक हो गया जी। जी वो हमने एसेंशियली किया इसी तरह था कि वीवर इसको कहते हैं प्रोसेस को स्पॉन करना, मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ, ये अक्सर आपको नज़र आएगा, अभी तक मैंने बोला नहीं है, इसको कहते हैं प्रोसेस को स्पॉन करना। वैसे स्पॉन करना जानते हैं किसी को कहते हैं? गेम में वो यही होता है, ऐसे एसेंशियली जो गेम्स वगैरह में होता था वो बंदा स्पॉन हो जाता है, वो स्पॉन का मतलब ये कि इट्स क्रिएटेड फ्रेश, ठीक है, एक नई कॉपी किस्म की। तो प्रोसेसेस आर स्पॉन, तो हम लोग इसेंशियली कर ही रहे थे कि ऑटोग्रेडर में वी स्पॉन मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है। तो व्हेन यू हैव डिफरेंट प्रोसेसेस तो देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हेल्प यू आउट। हर छोटे छोटे काम के लिए अगर आप लाइट वेट प्रोसेसेस क्रिएट करेंगे या थ्रेड्स या प्रोसेसेस, तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक को एक पे स्केड्यूल कर देगा, दूसरे को दूसरे पे स्केड्यूल कर देगा। तो इट्स एक्सट्रीमली ईजी, बट यू हैव टू एक्चुअली डू समथिंग, यू हैव टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भाई आप मल्टीपल कोर्स पे रन करें। वो कहना आसान है लेकिन कहना पड़ेगा सही, ठीक है। That has nothing to do with processes or threads. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर threads पे आ रहे हैं तो threads C के slow हैं। C खुद तेज है, C के threads slow हैं। और बहुत सारी languages हैं जिनके threads ज़्यादा तेज हैं C। Okay, तो ये तो होगी जी। सर आपने कहा कि सिंगल प्रोसेसर हो या dual core ना हो या मल्टी प्रोसेसर हो, तो उन पे ही मल्टीटास्किंग हो सकती है, लाइक दो प्रोसेस। मल्टीटास्किंग नहीं, पैरेलल में मल्टीटास्क, फिर वो इंटरलीव होंगे, थोड़ी देर ये रन होगा, थोड़ी देर ये रन होगा, फिर थोड़ी देर ये रन होगा, फिर थोड़ी देर ये रन होगा, लेकिन होते हैं। जी जी जी, लेकिन एट द सेम टाइम इज एम्बिगुअस, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी एम्बिगुअस, ठीक है। एनी लैंग्वेज, एनी नेचुरल लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। व्हाट डू यू मीन बाय एट द सेम टाइम, ठीक है। इफ यू मीन एक्चुअली एट द सेम टाइम, देन यू नीड मल्टीपल कोर्स। इफ यू मीन दे अपियर टू अस टू बी रनिंग एट द सेम टाइम, मैंने फायरफॉक्स भी खोला है, वो भी खोला है, कोर एक ही है मेरे पास, दे अपियर टू अस टू बी रनिंग एट द सेम टाइम, बट देर नॉट एक्चुअली रनिंग एट द सेम टाइम। तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये कोर से पहले, डुअल कोर से पहले पहले की जो चीज़ें थी, कोर टू डुअल। जी 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 जी, कभी इसका जवाब ये है, कोई से आपकी मुराद है जब एग्जाम में खड़ू सा टीचर सवाल पूछे तो जी जी, तो इसका जवाब जो टेक्निकल जवाब है प्रॉपर, यू शुड बी एबल टू आंसर इट टेक्निकली। सो इसका प्रॉपर जवाब ये है कि यू कैन अचीव साइमल्टेनियटी, ठीक है, साइमल्टेनियस ये हो सकते हैं ऑन अ सिंगल कोर, बट एक्चुअल कंकरेंसी यू नीड टू हैव मल्टीपल कोर्स, ठीक है। इस तरह जवाब देंगे तो अगले को पता चलेगा कि टर्मिनोलॉजी भी आपको आती है और बात भी आपको पता, ठीक है।
Okay, so here this is the situation. We have multiple things running either in parallel or they are running at least appearing to be in parallel. ठीक है, ये situation है. अब इसमें मसला क्या है, इसकी जो मिसाल आमतौर पर दी जाती है, चूंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लिहाजा अब मैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने बनाई है जो कि किताबों वगैरह में नहीं है. सो वॉट हैपन्स वैन यू रन थिंग्स इन पैरेलल. सो कैटास्ट्रॉफिक चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, यू कैन हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर बर्निंग डाउन, यू कैन हैव ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन. ठीक है, दुनिया तबाह हो सकती है. कोरोना वो तो उसके बगैर भी आ सकता है ना, वो तो आप लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ. ठीक है, इतने बहुत सारे 50 लोग कमरे में आके बैठ जाएंगे, मास्क नहीं पहनते. एनीवे, सो सुना है मास्क है ही नहीं, शॉर्ट हो गए. मैं तो बस ना यार, ऐसी कब्र में पाँव लटकाए, मैं खत्म हो गया. सो एनीवे, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ पुअर फिश. सो दिस इज माय रेंडिशन ऑफ अ फिश टैंक. तो ये मछलियाँ हैं यहाँ पे, अगर आपको मछलियाँ नहीं लग रही तो खैर है, अस्यूम करें कि ये मछलियाँ. सो दिस इज अ फिश टैंक एंड दिस इज अ फिश. राइट, सो दिस इज अ फिश. सो ये बेचारी छोटी छोटी गोल्ड फिश हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखी होंगी कार्टून वगैरह भी, छोटी छोटी होती है, गोल्डन सी प्यारी सी फिश होती है. ठीक है, सो इफ़ यू डोंट डू थ्रेड्स प्रॉपरली दीज विल डाई. ठीक है, लिहाजा ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि सही हो जाए वरना. राइट, सो हियर इज द सिचुएशन. सो यू हैव अ फिश टैंक एट होम एंड आप लोगों को, वैसे जिसको नहीं पता फिश का, तो ऐसी देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन बड़ी मनहूस चीज़ होती है फिश. इफ़ यू डोंट फीड देम दे डाई, इफ़ यू फीड देम टू मच दे डाई. अगर आप ज़्यादा खाना डालें ना तो फिश को ये बात नहीं समझ आती कि मेरा पेट भर गया है, अब मैं खाना बंद कर दूँ. ठीक है, इट्स लाइक इट्स सिटिंग इन अ मैकडोनल्ड्स और बस खाई देगी खाई देगी. ठीक है, तो पेट फट जाएगा, साखर में मर जाएगी. ठीक है, तो लिटरली इस तरह पेट फट जाता है कि वो फिश जब मरती है तो उल्टी होकर ऊपर आ जाती है. तो उसको ये नहीं पता कि भाई खाना तो है लेकिन मेरे पेट में जगह नहीं है. ठीक है, जिस तरह आपको अगर कोई दोस्त ट्रीट दे देना तो बस पैसे उसके हैं तो बस खाई जाओ. ठीक है, तो भाई पेट तो अपना है ना, तो मछली को ये बात नहीं समझ आती. सो दिस इज द सिनेरियो. ना असल में जो दूसरी एग्जांपल है वो बड़ी बोर एग्जांपल है, ये भी बड़ी कोई अच्छी नहीं है. सो हियर इज द सिचुएशन. सो यू हैव अ फिश टैंक एट होम एंड द वे यू फीड देम इज यू डोंट वांट टू ओवर फीड देम. सो हियर इज योर प्रोटोकॉल. सो हर अच्छी चीज़ को ख़राब करना ज़रूरी होता है, लिहाजा हियर द एल्गोरिथम फॉर फीडिंग द फिश. सो फर्स्ट यू गो एंड आस्क योर मॉम इफ फिश हैव बीन फेड. ठीक है, सो बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग विदाउट योर मॉम. सो कुछ ना कुछ पूछना पड़ता है. जो लोग हॉस्टल में बेचारे वैसे अभी होम से को रहे होंगे, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं. सो यू आस्क योर मॉम इफ फिश हैव बीन फेड. सो इफ शी सेज नो दे हैव नॉट बीन फेड, यू गेट द फूड. ठीक है, यू फीड द फिश एंड देन यू गो बैक एंड टेल मॉम कि मैंने खाना खिला दिया उनको. ठीक, ताकि वो ना खिला देंगे. सारी बात है, जो काम आप नहीं करेंगे तो उनको करना पड़ेगा. सही हो, हाँ सर, इस तरह ही ला रहे हैं, कपड़े भी खोल देते. राइट, सही हो, ठीक हो गया जी. सो दिस इज द सिचुएशन. सो एवरीथिंग वर्क्स वेल. सुबह आप गए, आपने जाकर पूछा खाना खिलाया गया है, उन्होंने कहा नहीं. आपने खाना डाल दिया, थोड़ा खाना जितना डालना होता है वो आपने डाल दिया. और देन यू गो बैक एंड टेल मॉम के जी खाना खिला दिया गया. जब आप थोड़ी देर बाद दोबारा आके पूछेंगे कि खाना, वो कहेंगे बेवकूफ़ आदमी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था, हाँ जी डाल दिया. तो शी हैज़ द इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी, सही हो गया, सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे. अभी तक कोई मसला नहीं है बिकॉज यू आर जस्ट वन पर्सन ट्राइंग टू फीड दिस फिश. ठीक है, बाय द वे फिशेज नहीं होता, और फीस की प्लूरल जो है वो भी फीस ही होती है. मेहरबानी करके वो दूसरा लफ्ज़ मत बोला करें. ओके, सो नाउ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन. सो यू हैव अ लिटिल ब्रदर, गुड फॉर नथिंग. मैं खुद भी छोटा भाई हूँ तो मुझे पता है कि उस टाइम जब मसला पैदा करना होता है उस टाइम पे आ जाएगा. सो शौक चढ़ा एक दिन उसको कि जी मैं भी कुछ हाथ बटाऊँ काम करने में. ठीक, जाके फिश को खाना खिला दिया. आप भी खिला चुके थे, दोनों मर गए. ठीक है, दोनों फिश, आप दोनों नहीं. आपने भी खिला दिया, उसने भी खाना खिला दिया, तो क्या मसला हो गया? ओवरफीड हो गया, फिश ने मर जाना है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस एल्गोरिथम. डायरेक्ट क्यों नहीं खिलाया था? ताकि हम इस मसले को हल कर सकें. ठीक है, नाउ वॉट हैपन्स इज यू गो ओवर देयर, यू आस्क योर मॉम खाना खिलाया गया कि नहीं खिलाया गया. उन्होंने कहा नहीं खिलाया गया. आपने जाके खाना खिलाया फिश को. यू गो बैक टेल योर मॉम मैंने खाना खिला दिया. अब जब थोड़ी देर बाद वो छोटा भाई आएगा जिसका कोई और काम नहीं है, वो आके जब पहले पूछेगा, इफ़ ही हैपन्स टू फॉलो दिस एल्गोरिथम, वो आके पूछेगा भाई खाना खिला दिया गया है? भाई नहीं अम्मी, खाना खिला दिया गया कि नहीं? तो मॉम विल टेल हिम हाँ जी खिला दिया गया है, बस बात खत्म. ठीक है, उसने दोबारा नहीं खिलाया. सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल दिस एल्गोरिथम वर्क्स. ये बात सही है जी. अगर ना पूछा जाता तो फिर तो
फिश ने एवं मर जाना था, ओवर फीडिंग हो जाती, एक ही जगह दो टाइम खाना मिल जाता उनको, सही हो गया, इतने आराम से बनती। मैं एक दफ़ा लाया था, मुझे शौक चढ़ा था, तो मैं गया सर जाके, वो बोल लिया मेरे भाई को, वो है वो करता है एक्वेरियम वगैरह बनाता भी है, डिज़ाइन भी करता है, और सारी कहानी भी उसको पता है, सारी मछलियों के नाम भी आते हैं अजीब अजीब से। सो मुझे भी शौक चढ़ा, मैं जाके लेके आया, बोल रखा, और अगले दिन सुबह मछली मरी हुई है, क्या बात है जी, मैंने तो उसको खाना डाला था, फिर एक और लेके आया, फिर उसको खाना डाला, फिर मर गई। आखिर मैं भाई को कहा क्या मसला है, कहते कितनी दफ़ा खाना दे रहे हो, मैंने कहा दो दफ़ा, कितना खाना दे रहे हो इतना सा, पागल हो गए, इसको तो एक दाना डालते हैं सिर्फ, तो डोंट ओवर फीड द फिश। ओके, बैक टू द स्टोरी, सो इफ यू ओवर फीड द फिश उसमें मसला होगा, दैट इज वाई वी हैव दिस एल्गोरिदम, सो दिस एल्गोरिदम वर्क्स। इसमें किसी को मसला नजर आता है? हाँ, बट दैट्स नेसेसरी, ठीक है, वो नेसेसरी इसलिए है क्योंकि अगर वो एक बंदे से नहीं पूछेंगे तो आपसे उसको पूछना पड़ेगा, ठीक है, और आप हैं लोफर एक नंबर के, बाहर जाके फिर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा नहीं जा सकता, लेट्स अस्यूम के मोबाइल फोन नहीं है इस टाइम पे, ठीक, और भी काम है बहुत सारे। सो उसके अलावा कोई मसला बताएं, पूछना ज़रूरी है। एग्जैक्टली एक टाइम, अगर एग्जैक्टली सेम टाइम पे अगर आ जाएं तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम इस सिचुएशन में, लेकिन चूंकि हमने इसको कंप्यूटर में लेके जाना है तो दोनों एग्जैक्टली एक आ सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बैठा लिया, लेकिन मैं वो मसला नहीं पूछ रहा, एक और मसला पूछ रहा हूँ, दूसरा मसला बताएं, उसको देखते हैं, वो मसला भी खुद ही निकल आएगा, लेकिन पहले ये बताएं कि उसके अलावा कोई मसला बताएं। इट्स क्लोजर टू दिस, इट्स वेरी क्लोज टू दिस। सो दोनों एक टाइम पे स्टार्ट से ही कर लेते हैं, एक टाइम पे आगे से स्टार्ट करते हैं। सो किधर है, सो दिस इज यू एंड दिस इज योर ब्रदर, ठीक हो गया। सो यू गो एंड यू आस्क योर मॉम इफ फिश हैव बीन फेड, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, गलती से आप कहीं सुबह जा गए, तो जवाब क्या है, नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल। यू गो ओवर देयर यू टू गेट द फूड, ठीक हो गया जी। भाई को भी रात को नींद नहीं आई थी, वो भी उठ के आ गया, ठीक है। सो दिस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, गौर से देखें इस चीज़ को, इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, दिस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये काम हो चुका, जो जो काम होता जाएगा उसके ऊपर एक डॉट लगाते जाते हैं, ठीक हो गया। ये सबसे पहले रन हुआ वन, ठीक है, इसके बाद अभी आप गए हैं खाना लेने, गए आप वहाँ पे जिधर भी पड़ा हुआ है फिश का खुराक पड़ी हुई है, वहाँ गए हैं, इतनी देर में भाई आ गया, उसने आके अम्मी से पूछा खाना खिलाया गया है या नहीं खिलाया गया, अभी तक इत्तला क्या है अम्मी के पास, खाना नहीं खिलाया गया, जवाब क्या होगा, खाना नहीं खिलाया गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, भाई भी चला गया, प्रोटोकॉल चल रहा है अपना। अब आगे जो है तो वो अकल ना आप में है और ना आपके भाई में है, और अम्मी बेचारी के पास तो सिर्फ इत्तला है, तो उनको तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उनको हम कुछ नहीं कहते, मुझे भी बेइज्जती मिलेगी घर में, राइट। सो नाउ यू आर बोथ एग्जीक्यूटिंग योर प्रोटोकॉल, ठीक है जी, यू आर बोथ इन दिस इफ नॉट, ठीक है जी, इस पर टिक लगाता हूँ क्योंकि तो इफ है, ठीक हो गया जी। अब आप दोनों इफ नॉट के अंदर चल रहे हैं, आप गए, आपने जाके गेट द फूड, या मैं इंटरलीव कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है जी, ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल में भी हो सकते हैं, मुझे एक साथ वाली बात है वो भी हो सकती है, लेकिन इंटरलीव मैं दोनों को कर रहा हूँ, एक कोर के ऊपर भी वही मसला आएगा, इसलिए इंटरलीव करके देख रहे हैं। आप गए, आपने फूड ली, ठीक है, दूसरे कमरे में थी, आप वो फूड लेके आ गए, आपने फिश को फीड कर दिया, ठीक। अब जो आपके भाई ने जो चेक लगाना था वो चेक लग चुका है, अब चेक तो दोबारा नहीं लगेगा ना, वो दोबारा जाके तो अम्मी से नहीं पूछने लगा, वो तो एक दफा पूछ गया है। ही इज ऑल्सो गोइंग टू गो एंड गेट द फूड एंड फीड द फिश, ठीक है। सो लेट्स से हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, उसने अभी फूड लेके आए, आपने खुराक जब उसको खिला दी तो आपने जाके अम्मी को बता दिया कि जी मैंने खाना खिला दिया, ठीक हो गया जी, सही है, मसला नज़र आ गया कि नहीं, ठीक है, मसला शुरू में ही नज़र आ गया होगा। जी जी जी, देखें प्रोटोकॉल क्या है कि अम्मी से आपने पूछना है कि खाना खिला दिया गया कि नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुके, मैं सवाल की तरफ आता हूँ, इसको रोकें थोड़ी देर के लिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो बताया उसको, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं, ठीक है, आते हैं। सो देन उसने भी खाना खिला दिया और फिर आके अम्मी को बताया, तो अम्मी कहेंगी कि ओहो वो तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह गया कि उसने भी खिलाया, बट बाय नाउ अब उसके मुँह से तो खाना नहीं निकाल सकते ना, फिश को तो नहीं कह सकते कि उल्टी करो शाबाश बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, फिश इज़ डेड, राइट, सो फिश डेड, सो दैट्स द सिचुएशन।
सो नाउ ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन कम अप विद, ठीक है, कि जब ये शुरू का चेक गलत हो गया, जब आप आए, आपके पूछने और बताने के दरमियान में अगर किसी भी जगह पे भाई ने आके पूछ लिया, बस फिर हालात ख़राब हैं। फिर चाहे आप पहले खाना लेके आते हैं या वो पहले खाना लेके आता है, चाहे जो भी आप कॉम्बिनेशन बना लें, हर सूरत के अंदर फ़िश मरेंगी। सिर्फ एक सिचुएशन है जिसके अंदर फ़िश नहीं मरेगी, इस बात को समझे ज़रा अच्छे तरीके से। सिर्फ एक सिचुएशन है जिसके अंदर फ़िश नहीं मरेगी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा काम कर लें, किधर है, सारे का सारा काम कर लें, उसके बाद भाई आके पूछे फिर खैर है। क्यों? क्योंकि जब आपने अम्मी को बता दिया, उसके बाद जब वो आके पूछेगा तो उसको जवाब मिलेगा हाँ जी खाना खिला दिया गया, वो रुक जाएगा। बिल्कुल पहले वाला जी बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। सो ओरिजिनल क्लीन सिनारियो क्या था आपके पास, दोबारा देखें, जो क्लीन सिनारियो आपके पास वो क्या है, सो क्लीन सिनारियो, यू गो एंड आस्क योर मॉम, ठीक है जी खाना खिलाया गया कि नहीं, यू गेट द आंसर नो, ठीक है। अगली दिन सुबह है, नई फिश है, ताज़ी ताज़ी जिंदा है अभी, ठीक है, खुश खुशहाल फिर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं खिलाया गया, यू गो ओवर देयर, यू फीड इट एंड यू टेल योर मॉम, फीड कर दिया गया, ठीक है, फिश आर फैट, सही हो गया। अब भाई आया, उसने आके पूछा यहाँ पे, उसको जवाब क्या मिलेगा, यस, ठीक है, बात खत्म, फिश आर फाइन, ठीक हो गया। सो दिस इज वन सिचुएशन, या इसके पैरेलल वो सिचुएशन ले लें कि भाई पहले आया, उसने सारा काम कर लिया, फिर आपने आके पूछा, फाइन। तो ये दो सिचुएशन है जिसके अंदर यू आर फाइन, ठीक है जी। इसके अलावा अब आप जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे उन सारों के अंदर मसला आएगा, फिश विल बी डेड, ठीक है, बात समझ आ रही है जी। ये एक सिचुएशन समझ आई, कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप ये सारे का सारा काम करते हैं, उसके बाद अगला अगर आता है फिर ठीक है, ठीक है, समझ आ रही बात की। अगर इसके अलावा आप कोई भी सिचुएशन बनाते हैं, तो वो सिचुएशन अभी मैं दोबारा बना देता हूं जिसमें हालात खराब होते हैं, एक डिफरेंट वेरिएशन उसकी क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी सी। सो यू आस्क योर मॉम इफ फिश हैव बीन फेड, आप गए खाना लेने के लिए, ठीक है, लेट्स से आप यहां भी पहुंच गए, ठीक है, यू आर देयर, यू आर गेटिंग द फूड, ठीक है, आप ले भी आए, आप उसको भी खिला भी रहे हैं, ठीक है। अब भाई आ गया, उसने आके पूछा, अभी तक अम्मी के पास क्या इतला है, फिश हैव नॉट बीन फेड, सो दिस इज फॉर, उसने पूछा, उसको जवाब मिला नो, सो इफ नॉट के अंदर वो चला गया। अब इस टाइम पे जब उसको नो जवाब मिल गया है, चाहे वो खुराक लेने अभी गया भी नहीं है, ठीक है, आपने यहां पे आके वापस उसको बता दिया, उनको बता दिया कि खाना खिला दिया गया है, लेकिन भाई पूछ गया, बस अब भाई ने दोबारा नहीं पूछना, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी बात, इसको जरा थोड़ा सा रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि एज सून एज मॉम सेज नो टू द ब्रदर, ठीक है, उसके बाद उसने कानों में उंगलियां दे देनी है, बस उसके बाद अब वो कुछ नहीं सुन रहा, बिकॉज द प्रोटोकॉल इज गो गेट द फूड, ठीक है जी। अब अगर उसी वक्त भी आप आ जाते हैं और आके अम्मी को बताते हैं और वो वहां पे खड़ा भी है, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू अस्यूम फॉर द सेक ऑफ द प्रोटोकॉल कि वो पूछ चुका बस, क्योंकि जब आपके पास इफ होती है प्रोग्रामिंग में, जब इफ होती है, इफ एक दफा जब एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके इमीडिएटली बाद बस इफ दोबारा तो नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं होता कि भाई ओहो सबर 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 एक्सचेंज हो गया है, दोबारा पूछो मुझसे, इफ हो गई बात खत्म, आगे चलो, ठीक है, ये बात समझ आ रही है जी अच्छे तरीके से। यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को यही आता है कि यू नीड टू हैव दीज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर, कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन एक दफा एग्जीक्यूट होती है एंड देन इट्स डन, इट्स गॉन, इट्स फॉरगॉटन, यू नेवर गो बैक टू इट, ठीक है जी, अनलेस देयर इज अ लूप और वो एक फ्रेश किस्म की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है जी। सो एज सून एज यू हैव दिस इफ एग्जीक्यूटेड, देन यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू लुक एट द वैल्यू ऑफ द इफ एंड द वेरिएबल्स और एवरीथिंग, यू आर नाउ गोइंग टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द इफ, ठीक है जी, ये बात सही है, अच्छे तरीके से क्लियर है। सो नाउ हियर इज द सिचुएशन, फोर पे आप गए, आपने जाके अम्मी को बता दिया, लेकिन वो इतला भाई को पहुंच चुकी है कि खाना नहीं खिलाया गया, इट्स सॉरी, सो दिस इज फाइव, दिस इज गोइंग टू बी सिक्स, ठीक है, उसने जाके खाना लाया, सेवन एट फिश डेड। यस, सो नाउ यू हैव टू सम हाउ ईदर कम अप विद अ मैकेनिज्म कि भाई ये जो हरकत कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सो ईदर यू कम अप कि भाई खाना डालने से पहले जाके दोबारा पूछो, ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग, इतनी बात सही है जी। सर अगर हम बस शुरू में कह दें, अगर दूसरे
यस, सो दैट इज वन सोल्यूशन. आपने एक और सोल्यूशन बता दिया अभी, जो मसला पहले बताया, मसला समझ आ गया कि नहीं? सोल्यूशन अच्छी बात है कि आप लोग सोच रहे हैं सोल्यूशन पे, लेकिन पहले मसला मुझे बताएं ताकि हम लोग सारे एक लेवल पे आ जाएं. पहले मसला सबको समझ आ गया जी? मसला क्या है, चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, और चूंकि एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं तो देर इज नो चेक एंड द सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस अ चेक, बट वी ऑलरेडी हैव अ चेक. आपने भी यही सोल्यूशन दिया कि शुरू में आपने बात की है, ठीक है, वो सोल्यूशन को भी देखते हैं. पहले सोल्यूशन को देखते हैं, फिर आपके सोल्यूशन को भी देखते हैं. सो हियर्स अ प्रपोज सोल्यूशन कि एज सून एज यू आस्क योर मॉम, ठीक है जी, आपने उनसे पूछा कि भाई ये काम, ये देखें, ये जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि इस तरीके से होगा, ये एक्चुअली कंप्यूटर में इसी तरीके से इसके पैरेलल्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन दोज आर इवन मोर बोरिंग देन दिस, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको इस जगह पे देख रहे हैं. इनको पैरेलल्स बनाएंगे फिर कंप्यूटर साइंस में इसके. सो इफ यू आस्क योर मॉम हैव द फिश बीन फेड, उन्होंने कहा नहीं, सो योर प्रपोज सोल्यूशन इज, इसके बाद अगर कोई उनसे आके पूछेगा तो वो कहें खाना खिला दिया गया. यही बात है, ये दैट इज योर सोल्यूशन, राइट? कि अगर इसके बाद, बस जब मैंने पूछ लिया उसके बाद से वो कहेंगी, जवाब देंगी हाँ, यही सोल्यूशन है जी. ये सोल्यूशन पे सारे समझ गए, सोल्यूशन है क्या, ठीक है, अग्री करते हैं कि इट्स अ गुड सोल्यूशन? नहीं, क्यों नहीं सर? वो कैसे खाना खिलाएंगे लोगों को? जी जी जी, सो सो सर हो सकता है फूड मिले ही ना. Right, so there might be a lot of problems between asking and actually feeding the fish. ठीक है जी, जो बातें कर रहे हैं सारी सही कर रहे हैं. आपने जो कहा ना कि yes, that is the protocol. But there are situations in which food खत्म है. ठीक है, so there can be exceptional cases. ठीक है, and in most scenarios there are exceptional cases. ठीक है जी, so you're looking for a file, file नहीं है, file not found. Exception आ गई, कोई भी मसला आ गया उसके अंदर. ठीक है जी, सो इफ यू गो विद द सोल्यूशन के एज सून एज आई आस्क मॉम, उसके बाद नहीं होगा, तो आप एक नंबर के लट हैं. ठीक है, लट जानते हैं ना? नहीं जानते, सुस्त, लेकिन सुस्त में मजा नहीं आता. सो आप एक नंबर के सुस्त हैं, ठीक है, समेत मेरे, मैं भी शामिल हूँ पेरेंट्स में. सो यू आस्क योर मॉम, और अभी आप वहाँ से हटे ही थे कि टिंग टिंग मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, एंड भूल गया मैं, ठीक है, याद ही नहीं है. सो अगेन फिश इज गोइंग टू डाई. अगर आपने नहीं खिलाया और मॉम ने ये इत्तला पहुंचा दी कि हाँ जी खाना खिला दिया गया है, सो यू नीड टू एक्चुअली फीड द फिश बिफोर यू टेल मॉम कि खाना खिला दिया गया है, ताकि वो एक दफ़ा तो खिलाया जाए ना, वरना भूखे पेट भी मर जाती है फिश. ठीक है, तो ना आप उनको डबल खाना खिला सकते हैं, ना जीरो टाइम्स खाना खिला सकते हैं, यू हैव टू फीड इट एग्जैक्टली वन टाइम. ठीक हो गया जी, सो इफ यू आस्क योर मॉम और इमीडिएटली यहाँ पे आप कहते हैं कि जी इसके बाद से जवाब यस होगा, दैट डजंट वर्क ईदर. ठीक, सही हो गया. सो ये सोल्यूशन नहीं काम करता, फैसला हो गया जी. ठीक है, सही है, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला है तो बताएं अभी. ओके, दूसरा सोल्यूशन जो आपने दिया, आपने ये कहा कि भाई वो चेक यहाँ पे लगाएं. ठीक है, यही सोल्यूशन था आपका जी, कि जब आप एक्चुअली फीड कर रहे हैं उस टाइम पे चेक लगाएं. ठीक है, तो देखें इसका तरीकाकार क्या होगा. नाउ यू हैव टू, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के अंदर यू हैव टू रियलाइज के कंप्यूटर के अंदर जब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उनके दरमियान में इतनी फ्री कम्युनिकेशन नहीं है जितनी हमारी रियल वर्ल्ड में है. सो इफ देयर इज अ फिश टैंक एंड यू आर स्टैंडिंग देयर एंड द ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर, यू हैव टू, यू कैन आस्क द ब्रदर, ओ भाई खाना खिलाया तो नहीं इसको? वो कहता है नहीं, तो प्रूफ. ठीक, सो यू कैन डू दैट, बट वॉट इफ ही इज नॉट देयर? सो देन यू हैव टू गो एंड आस्क हिम और हर. ठीक है, बड़ा जो भी है. ठीक हो गया, सो इफ यू आर थ्री सिबलिंग्स, तब एक बंदे ने जाके पूछना है, दूसरे ने आगे, दूसरा क्या करेगा फिर? पहले जर्गा करेंगे सारे बैठ के. ठीक है, सो यू ईदर हैव टू हैव एवरीबडी सिटिंग देयर एंड डिसाइड ऑल टुगेदर कि भाई खाना डालना है कि नहीं डालना. ठीक है, तो इस सूरत में आप सब मर जाएंगे, फिश भी तो खैर है. ठीक है जी, और कोई काम करेंगे. सो अगेन दिस इज अगेन नॉट अ सोल्यूशन. फिश टैंक के ऊपर एक टैग लगा देते हैं. ठीक है जी, सो यू कैन हैव दैट. सो नाउ हियर इज द प्रोटोकॉल. ठीक है, यू बटन से ज्यादा आसान, चलो एक लाइट है. ठीक है, जी एक लाइट है आपके पास. जी जी जी, सारी बात है, बटन से क्या होगा. सो दैट्स अ गुड सोल्यूशन, दैट्स अ गुड सोल्यूशन. सो दैट्स अ गुड सोल्यूशन. सो सुबह के टाइम पे इतना काम तो खैर चलो हम ही कर देंगे,
हम क्यों सारा काम करती हैं, लेकिन चलो ये काम कर देंगी इस फिश वाले सिचुएशन में, कि शी टर्न्स द राइट लाइट रेड, ठीक है जी, और जैसी कोई खाना खिलाएगा तो देर गोइंग टू टर्न इट ग्रीन अगेन, ठीक है। सोल्यूशन निकाले पता चलेगा कि क्या मुसीबत है, पढ़ क्यों रहे हैं सब्जेक्ट। सो दैट इज योर प्रोटोकॉल, यू गो ओवर देयर, यू लुक एट द लाइट, इफ इट्स रेड यू फीड द फिश एंड यू टर्न द लाइट ग्रीन, ठीक है, दैट इज द प्रोटोकॉल। इफ द लाइट इज रेड फीड द फिश, टर्न द लाइट ग्रीन, प्रोटोकॉल समझ आ गई जी, लिख देते हैं चले। ठीक हो गया जी, ये प्रोटोकॉल है आपके पास, सही है। नाउ यू हैव टू रियलाइज अगेन कि कंप्यूटर के अंदर फ्री कम्युनिकेशन इतनी नहीं है, यू कैन नॉट सी अदर थिंग्स। आप आए, आपने आके देखा लाइट किस कलर की है, रेड कलर की, सो यू अनाइंग ब्रदर, सो हियर इज यू, आप आए, आपने आके देखा, ठीक है, लाइट किस कलर की है, रेड कलर की। अभी आपने क्या करना है, फीड करना है, स्टॉप। बारी किसकी, अब भाई की। सो नाउ देयर इज नो फ्री कम्युनिकेशन, रियल वर्ल्ड में तो फ्री कम्युनिकेशन है, लेकिन कंप्यूटर में वो इफ चल चुका। अब दूसरे की बारी है, उसने भी अपना इफ चलाना है, उसके इफ में क्या है, लाइट किस कलर की है, अभी लाइट किस कलर की है, अभी रेड है, ठीक है। सो फीड द फिश, अब आपकी बारी आई, यू ऑलरेडी डन द इफ, इफ तो आप चेक कर चुके हैं ना, आपको बीच में रोक दिया गया था, ना ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि आप क्या कर रहे थे, ना आपको पता है कि मुझे रोका गया था, आपको ये पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले इफ चलाया था, लाइट मुझे किस कलर की मिली थी, रेड कलर की, मैंने क्या करना है, फीड द फिश, एक सेकंड। पहले मसले को देखें, सोल्यूशन डालें जी, जी जी जी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज थिंग्स आर इंटरलीव्ड, ये मैं इस तरह इसीलिए बनाता हूँ, ऐसे इसलिए नहीं बना रहा, बिकॉज ये समझ आ रही है ना, कुछ ज्यादा एग्जीक्यूट हो सकती है, कुछ कम एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है जी, ठीक है जी, कुछ ज्यादा एग्जीक्यूट होती है, कुछ कम एग्जीक्यूट हो सकती है, तो वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू बी स्टॉप्ड। प्रीएम्प्शन याद है जी, प्रीएम्प्शन, ठीक है, प्रीएम्प्शन अगेन एग्जाम में सवाल इसीलिए होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, उसके बगैर तो पढ़ते नहीं। तो प्रीएम्प्शन, आपको नहीं पता मुझे कब रोका जाएगा, इट्स एसिंक्रोनस, किसी वक्त भी टाइमर इवेंट आएगा, आपकी बारी रुक जाएगी, यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू बी स्टॉप्ड। सो दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि पहले इनको तो एग्जीक्यूट करो सारों को, लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि वेदर यू हैव दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन, एज सून एज यू हैव प्रीएम्प्शन, ये मसला वहीं का वहीं है, देखिए मसला वहीं का वहीं है ना, एग्जैक्टली वही मसला है जो ऊपर था, एग्जैक्टली वही मसला है। अब बॉम्ब की जगह पे आपने वहां पे एक रेड और ग्रीन लाइट लगा दी है, जो कि पराठे नहीं बनाती, लेकिन बाकी सारा काम इस प्रोटोकॉल के लिए वही कर रही है। खाने का पता किस तरह चलेगा, उसका मुंह खोल के तो नहीं देख सकते खाने का आएगा, अम्मी से नहीं पूछा, बट इट्स अगेन द सेम प्रॉब्लम, instead of asking mom you're asking the red light, theek hai, so it's essentially the same problem again, to aapne pehle zyada cheezon ke upar lagaya hua tha, abhi kam cheezon ke upar wo check laga diya, lekin masla phir bhi wahi ka wahi hai, isko aap jitna bhi kam karne ki koshish karenge masla yahi ka yahi rahega, samajh aayi thi baat ki, theek hai, sirf is aakhri situation mein you have to imagine a little bit, kyunki bhai light to nazar aa rahi hai, but you have to realize ki computer mein jab if execute ho jata hai to wo if dobara nahi dekha jata, ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है, आप अगर इन दोनों को मिला दें आपस में, सो यू हैव एन इफ ओवर हेयर एंड यू हैव एन इफ ओवर हेयर, बट इट्स स्टिल द सेम, दूसरे को नहीं हम भेज नहीं रहे, दूसरे को हम रोक नहीं रहे, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है, सिचुएशन इज कि ये काम जो है, सो रुके मैं सवाल दोबारा बोलता हूं, उसके बाद मैं इसका जवाब देते देता हूँ, सो द क्वेश्चन इज, मैं जरा डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ, टेल मी कि ये क्वेश्चन आपका है कि नहीं, सो द क्वेश्चन इज, अगर एक बंदा ये काम करने चला गया है एक दफा,
तो दूसरे को नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, दूसरे को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बात सही है. सो वॉट इफ द फिश नीड टू बी फेड एग्जैक्टली टू टाइम्स, देर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ फिश है वो थोड़ी बड़ी है वो दो टाइम खाना मांगती है, ठीक हो भाई. सो नाउ यू कैन नॉट हैव दैट, दो से ज्यादा फिर ना भेजें, सही है. सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कितनी दफा के वो लोग हैं, ठीक है, एंड प्रोग्रामेटिकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट देन, ठीक है. आपने वो लिस्ट को सम करना है ना, 1 मिलियन को आपने सम करना है, आप 2 पे भी करवा सकते हैं, 4 से भी करवा सकते हैं, 8 से भी करवा सकते हैं, 16 से भी करवा सकते हैं. सो नाउ यू हैव टू हैव अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ, हम इस तरह के सोल्यूशन अभी देखेंगे, काफी सारे देखेंगे, बट कोर जो प्रॉब्लम है उसको समझें, वो मुझे बताएं कि वो अच्छे तरीके से समझ आएगी. कोर प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव थिंग्स रनिंग इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इंटरलीव कह लें या वो कह लें कंकरेंट का लफ्ज़ बोलता हूँ, ठीक है जी, दोनों उसमें शामिल होंगे. व्हेन यू हैव थिंग्स रनिंग कंकरेंटली, सही, उस वक्त अगर तो बीच में आपके पास प्रीएम्पशन आ जाती है किसी भी तरीके से, ठीक है, प्रीएम्पशन आ जाती है, इंटरलीव हुए हैं, प्रीएम्पशन आ जाती है, मसला खराब. क्यों? क्योंकि सारा प्रोटोकॉल एक साथ चल नहीं रहा, ठीक है जी, बात समझ आई, मसले का कोर समझ आया कि सारा प्रोटोकॉल एक साथ चल नहीं रहा. अगर हम सारा प्रोटोकॉल एक साथ चला दें कि यहां से लेके यहां तक एक साथ रन होगा, फिर तो इसका तरीकाकार क्या है इन दिस सिचुएशन. आप गए, आपने जाके पूछा कि भाई खाना खिलाया गया कि नहीं, यू गेट द आंसर नो, यू गो ओवर टू फीड द फिश, ठीक है जी, अभी तक आप वापस नहीं आए, भाई आ गया, वही सिचुएशन है. अगर हम इसको चलाते तो अभी क्या जवाब मिलना था भाई को, क्या जवाब मिला था, यस या नो, नो, ठीक हो गया. लेकिन अभी इस टाइम पे मॉम प्रोटोकॉल इज सबर करो, आई एम नॉट आंसरिंग, हाँ ना दोनों जवाब नहीं मिल रहे. अगर हाँ जवाब देते हैं तो भी गलत है, ना जवाब देते हैं तो भी गलत है, ठीक है जी, दोनों बातें इस टाइम पे गलत हैं. सो यू वेट, ठीक है, सबर करो, ठीक है. ये मैं आप लोगों को जो पूरा चैप्टर है ना, ये मैं उसकी सारी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है. तो अभी आप लोग हंसेंगे कि कौन सा बेवकूफ़ भाई है, खैर आप लोगों का भाई अगर इस तरह का हो तो फिर आप नहीं हंसेंगे, लेकिन सो व्हाट व्हाट द ब्रदर इज़ गोइंग टू डू इज, थोड़ी देर बाद भाई को दोबारा बारी मिलेगी, ठीक है, स्केड्यूलिंग है ना, आपकी बारी, आप जाके काम कर रहे हैं, ये बैठा हुआ यहाँ पे, अब इसको वो हम आसान सलीस उर्दू में कहते हैं कि इसको कीड़े चक लगा रहे हैं, ठीक है, चीनी ज़्यादा खाई उसने सुबह सुबह उठ के, तो यू नीड्स टू डू समथिंग. तो मॉम से पूछते हैं थोड़ी देर बाद, मुझे बताया ना खाना खिलाया कि नहीं, ठीक है, वो कहते सबर करो, फिर थोड़ी बात बताए ना, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज व्हेन यू रन अ प्रोसेस द प्रोसेस नीड्स टू डू समथिंग, ठीक है, देखें, व्हेन यू रन अ प्रोसेस द प्रोसेस नीड्स टू डू समथिंग एंड यू आर टेलिंग द प्रोसेस के सबर करो, ठीक है, तो सबर करो का उसके पास जवाब क्या है, तो बताए ना, और तो कुछ कर नहीं सकता ना, ना जा सकता है, जवाब मिला नहीं है, अब वो जवाब भी चाहिए, ठीक है, कोई और काम भी नहीं कर सकता, तो नाउ द प्रोसेस इज स्टक, सो दिस ब्रदर इज नाउ स्टक इन बताए ना, ठीक है जी. सो इससे दो मसाइल पैदा हुए, ठीक है, अगेन ये आगे जाके इसकी टेक्निकल वो भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से दो मसाइल पैदा हुए. नंबर एक, इस भाई का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, ठीक है, इसने जाके और शरारतें करनी है इसने, ठीक है, इसका कीमती वक्त तबाह बर्बाद हो रहा है, ठीक है, वो बताए ना कर रहा है. सो टेल इट टू गो डू समथिंग एल्स, जाओ यहाँ से निकलो बाहर, ठीक है. नंबर एक, उससे जो बड़ा मसला है हमारे हिसाब से, अम्मी का भी दिमाग खा रहा है, ठीक है, शी इज़ डूइंग समथिंग एल्स, उन्होंने वहाँ पे मज़ेदार सबको पराठे वराठे बनाने हैं, और समझ सकते हैं, यस, बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है, लेकिन दिस डजंट सीम लाइक द राइट वे, ठीक है, एटलीस्ट कम अज कम जो होगा, जो कि होना भी है थोड़ी देर बाद, उसके जब रियल वर्ल्ड में जब एक चीज़ होगी, तो दो तीन मिनट के बाद एक चपेट पड़ेगी कि निकलो यहाँ से, जाओ वापस, ठीक है, तो बताए ना मत करो. सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है जी, जी जी, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है जी, कि उसको एक चपेट लगानी है कि जाओ यहाँ से, ठीक है जी. सो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, ठीक है, छोटे भाई को चपेट मारना. आप में से कौन कौन छोटा भाई है, सबसे छोटा, टफ, ठीक है, सब ओके, राइट. सो जिनके हैं वो बड़ी मेहरबानी करें, जाके इस तरह ना हो के भाइयों को चपेटें मारनी शुरू कर दें. इस प्रोटोकॉल में चपेट अम्मी मारेंगे, ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग, दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. थोड़ा बहुत इसके अंदर कंप्यूटर साइंस जब डालेंगे तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का बहुत हो जाएगा. मसला समझ आ गया जी, ठीक है. सो वी डोंट हैव करंटली अ सोल्यूशन, विल गेट टू द सोल्यूशन, लेकिन उस सोल्यूशन में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा. इस केस में आपको सोल्यूशन समझ आता है, उसको कहे चुप करके बैठ जाओ, पता लग जाएगा तो तुम्हें बता दूंगी,
ठीक है जी, आप अच्छे अल्फाज में कह रहे हैं, तो साथ और बहुत सारे काम करने पड़े ना, उसको एक साथ लगाएंगे, ठीक होगी जी। सो दिस इज द सिचुएशन। सो द प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव थिंग्स रनिंग इन पैरेलल, ठीक है, यू नीड सम वे ऑफ सिंक्रोनाइजिंग देम, उन सिचुएशंस में जहां पे एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आ सकता है, या दोनों के मिल के काम करने से बजाय इसके कोई अच्छा काम हो उससे कोई बुरा काम हो सकता है, ठीक है जी, बात समझ रही। अभी ये जो सिचुएशन है ना कि भाई जरूरत क्या थी दो बंदे की, ठीक है, शुरू से ही कह देंगे भाई बस खाना तुमने डाला है फिश को, ठीक है, दूसरे ने डाल लेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन तरह होती है जहाँ पे यू नीड टू हैव पैरेललिज्म। इफ यू डोंट नीड पैरेललिज्म, एंड ऑफ स्टोरी ना, फिर तो इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। या हम उस सिचुएशन में बात करें व्हेन यू डू नीड पैरेललिज्म, ठीक है, आपको कंकरेंसी चाहिए, आगे उसकी कंकरेंसी के मसाइल को हल करने की जरूरत है, कंकरेंसी तो हमें चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते कि है अब ठीक है, सॉरी बर्दाश्त करना पड़ेगा, राइट। मैं खुद छोटा हूँ, कह सकता हूँ, ठीक है, मतलब भाइयों में छोटा, राइट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड ए रेस कंडीशन, ठीक है, दिस थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड समबडी एल्स इज ट्राइंग टू डू समथिंग एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ रेस, और थोड़ी देर बाद ये जाके पता चलेगा कि रेस ये है कि कौन ज़्यादा सुस्त है, ठीक है, जो ज़्यादा सुस्त है वो जीतेगा। ये खुश हो गए कुछ लोग, तो बहुत सही खुश हो गए, ये अच्छी बात है। सो दिस इज अ रेस कंडीशन। इसको रेस कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे एसेंशियली ये चल रहा है कि कौन किस वक्त रन हुआ, कौन पहले रन हुआ, कौन बाद में रन हुआ, ठीक है जी, ये सिचुएशन बन रही है ना। तो दैट इज एसेंशियली काइंड ऑफ अ रेस, के रेस वो दौड़ वाली रेस, ठीक है, ये वो जात वाली रेस नहीं, रेसिज्म वाली रेस नहीं, उसकी रेस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ रेस कंडीशन। सो अ रेस कंडीशन इज अ बग, बहुत सा काम है, देखें इसको, द आउटकम ऑफ कंकरेंट थ्रेड्स आर अनएक्सपेक्टेडली डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इसको जरा काट लेते हैं कि इसमें से क्या जरूरी चीज है। सो यू हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, अगर आएगा तब काम ठीक होगा, वरना आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस कि पहले यह सब कुछ हो जाए, फिर यह सब कुछ हो, तब मसला सही होगा, वरना इसके अलावा जो भी सीक्वेंस बनेगा, स्पेसिफिक के अलावा जो भी सीक्वेंस बनेगा, दैट इज गोइंग टू लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फिश डाइंग, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रेस कंडीशन। अगर आपके पास एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर अगर पैरेलल में उस पीस ऑफ कोड को रन किया जाए एक से ज्यादा बार, ठीक, तो दैट इज गोइंग टू लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अनलेस यू रन इट इन अ वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस। पैरेलल दोनों एक साथ रन हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, आगे थोड़ा सा एग्जांपल, इस एग्जांपल में नजर नहीं आ रहा, आगे जाके नजर आ जाएगा, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट थोड़ा सा वेट करें, ठीक है जी। नाउ दिस इज द एग्जांपल जो कि आमतौर पे दी जाती है, ठीक है, आई फाइंड इट वेरी बोरिंग बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, तो इस तरह से देख लें इसको, सही। सो योर करंट बैंक बैलेंस इज $1,000, तालियां, यू गो एंड विदड्रॉ $500, ठीक है, आप लोगों ने $500 में कौन सा फोन आता है आजकल, कोई भी नहीं, सो यू विड्रॉ $500 फ्रॉम द ATM, और जब तक आप ये कर रहे थे उस वक्त तक आपके घर से आपको पैसे भेजे गए कि बच्चा बेचारा खाना पीना नहीं है, ठीक है, कमजोर हो गया, उनको खाने पीने के पैसे भेजने चाहिए, तो आपको $5,000 भेजे गए, राइट। सो ठीक है, अब जरा वापस आ जाए खाबों की, ठीक है, राइट। सो इसको इस तरह करें कि आप सही है, औकात पे आ गए, बस एग्जाम्पल सारी खराब हो रही। सो एनीवे, सो हियर द टू थिंग्स, ठीक है, विड्रॉल का तरीका कहा है आपके पास, अब देखें ये दो अलग अलग काम है, एक विड्रॉल है और एक डिपॉजिट है, अब ये दोनों पैरेलल में रन होंगे, ठीक है जी। सो हियर इज द सिचुएशन, यू रीड द अकाउंट बैलेंस, दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर विड्रॉल, रीड द अकाउंट बैलेंस, 500 विड्रॉ किए गए हैं, वो उसमें से माइनस करो एंड राइट द बैलेंस बैक, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये चलेगा, अगर विड्रॉल सिर्फ विड्रॉल को देखें, दूसरे को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सिर्फ विड्रॉल करें, आपके पास इनिशियली थे $1,000, आपने उसमें से 500 विड्रॉ किए, तो क्या तरीका होगा, रीड द अकाउंट बैलेंस, आपके पास मेमोरी में क्या चीज आ गई, 1000, ठीक, आपने 500 विड्रॉ किया, उसमें से माइनस किए, पीछे क्या बच गया, 500, अब आपने उसके ऊपर राइट करना है, तो आप क्या उसके अंदर राइट करेंगे, 500, ठीक हो गया, तो योर अकाउंट बैलेंस वुड बी
5 मिनट सो ओनली विड्रॉल वुड बी 5 मिनट, ये एंड रिजल्ट आपके पास आएगा 5 मिनट, ठीक है जी, यहाँ तक सही है? सो वॉट इफ यू डू ओनली डिपॉजिट, ठीक है, सिर्फ डिपॉजिट अगर करें तो क्या होगा, 1000 से स्टार्ट किया, ठीक है, इसके अंदर 5000 ऐड किया तो क्या बना 6000, और आपने ये राइट वापस किया तो ओनली डिपॉजिट की केस में यू गेट 6000, ठीक हो गया, यहां तक बात सही है? वॉट इफ यू डू बोथ बट फर्स्ट वन एंड देन दी अदर, दोनों करते हैं लेकिन पहले एक करते हैं फिर दूसरा करते हैं, ठीक है, आपने सुबह सुबह उठ के निहार मुंह पैसे निकाल लिए और आपको जो ट्रांसफर किए गए हैं वो दोपहर को 12 बजे किए गए, ठीक है, सो यू रीड द अकाउंट बैलेंस, यू गेट 1000, किधर है, सो यू गेट 1000, यू एड यू सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम इट, यू गेट 500, यू राइट इट बैक, तो आप अभी बैलेंस यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या वैल्यू है 500, थोड़ी देर बाद जब डिपॉजिट का प्रोटोकॉल चला तो क्या होगा, रीड द बैलेंस, कितना बैलेंस है अभी 500, एड 5000, इट बिकम्स 5500, राइट इट बैक, इट बिकम्स 5500, ठीक है जी, सो दिस सीम्स राइट, ये ठीक है ना, अभी 1000 थे, 500 निकाले, 5000 डाले, 5500 इसके अंदर डाले, दिस इज राइट, अगर पहले विड्रॉल कर लें फिर डिपॉजिट कर लें फिर भी ठीक है, शुरू में 1000 निकाले, 5000 ऐड किए, 6000 हो गए, 6000 बैलेंस में राइट कर दिया, फिर उसमें से 500 निकाले, 5500 रह गए, फिर भी ठीक है, सही है, ये सारी सिचुएशन सही है ना, ये बहुत सारी बताई है लेकिन बस यही सिचुएशन सही है, इसके अलावा आप जो सिचुएशन बनाएंगे सारी गलत होगी, ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारी सिचुएशन, ये बात अच्छे तरीके से समझिए, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि सही कंडीशंस बहुत थोड़ी हैं और गलत कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मैंने आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ सीक्वेंस बता दिया कि ये सही है, इसके अलावा अब आप जो सीक्वेंस बनाएंगे सारे के सारे गलत हैं, ठीक है, देखें किस तरीके से गलत है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 उसी तरीके से चलाएंगे, दिस इज योर बैलेंस, ठीक है, दिस इज योर अकाउंट बैलेंस, शुरू में कितना है, यू रन बोथ प्रोटोकॉल्स इन पैरेलल नाउ, ठीक है, हम प्रीएम्प्शन करेंगे, इंटरलीव करेंगे इनको, ठीक है जी, सही हो गया, हम इनको इंटरलीव करेंगे, राइट, सो स्टार्ट विद दिस रीड अकाउंट बैलेंस, इस थ्रेड को, ये दो अलग अलग थ्रेड्स हैं नजर आ रहे हैं जी, ये बात समझ आती है अच्छे तरीके से, दो अलग अलग थ्रेड्स हैं, ठीक है, पैरेलल में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आप चाहे दोनों एग्जैक्टली एक टाइम पे रन हो रहे हैं या इंटरलीव्ड हैं, दोनों एक ही सिचुएशन है, सही है, इसने रीड किया, इसको बैलेंस क्या पता चल गया जी, ये इसका लोकल जो यहाँ पे वेरिएबल है इसके अंदर, और यहाँ पे इसका एक लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर आ गया आपके पास 1000, ठीक है, इसकी बारी खत्म, स्केड्यूलर ने दूसरे की बारी लगा दी, ठीक है, बात समझ आ रही है, दूसरे की बारी लगा दी, वो आया, उसने रीड अकाउंट बैलेंस किया, इसको क्या मिलेगा, 1000 ही मिलेगा ना, अभी तो उसको कम किया ही नहीं किया, ये बात सही है जी, अच्छे तरीके से समझ आ रही है, ओके, सो अब जिसको भी चलाएं बस बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है, आप चाहे जो कुछ भी करेंगे हालात ख़राब है, ठीक है, जब ये एक गलती होगी ना यहाँ पे कि वो चला और साथ ही इसने भी बैलेंस ले लिया, बस इसके बाद आप इसको सही नहीं कर सकते, बस अभी गलत हो गया, ठीक है, चला के देख लेते हैं, सो लेट्स से दिस रन्स 3, इसने क्या किया, बैलेंस यहाँ पे कम किया तो इस जगह पे, यार क्या कंजूसी है, इसने अपने पास बैलेंस 500 कर दिया, अभी इसको क्या करेगा, उधर राइट करेगा, ठीक है जी, जब ये राइट करेगा तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया जी 500, लेकिन वो दूसरे वाला पहले बैलेंस जा चुका है, उसने हर थोड़ी देर बाद दोबारा बैलेंस नहीं पूछना, उसका प्रोटोकॉल क्या है, गेट द बैलेंस, क्या है, एड द बैलेंस, एड द क्रेडिट, सॉरी एड द डिपॉजिट एंड राइट इट बैक, ठीक है, इसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है, ये बड़ा वो मशरूट मशरूट बना था, इसने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया, ठीक है, अभी दूसरे को देखें, दूसरा गया, उसने यहाँ पे जो बैलेंस रीड किया था वो था 1000, उसने अब क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है 5000, ठीक है, ये हो जाएगा 6000, और ये जब इसके अंदर राइट बैक करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 6000, सही है, बात समझ आई, तो इफेक्ट किसका आया, जो आखिर में पहुंचा, जिसने आखिर में राइट किया उसने पहले वाले के उसको ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट क्यों किया, बिकॉज देयर इज नो अदर चेक, वो जो चेक था वो पीछे हो चुका, समझ रही बात की जी, ठीक है, सो नाउ वी गेट द फाइनल रिजल्ट एट 6000, थोड़ी देर पहले हमारे पास आया था 5500, विच वॉज द करेक्ट आंसर, देयर इज अ करेक्ट आंसर एंड देयर आर इनकरेक्ट आंसर,
सो द करेक्ट आंसर इज 5500, ये बात तो सही है ना जी, ठीक है। नाउ वी गेट वन इनकरेक्ट आंसर, दूसरी सिचुएशन चला लें, ये मसला समझ आ गया कि 6000 कहाँ से है जी, एग्जैक्टली इसी चीज को दूसरी तरीके से चला लें। सो लेट से अभी इसकी जब इसने 2 को एग्जीक्यूट किया, इसके बाद इसी की बारी चली, ठीक है, इसने इसको कर दिया 6000 और इसने राइट कर दिया यहाँ पे 6000, राइट हो गया, ठीक। इसके बाद ये चला, इसने क्या कर दिया अपने पास लोकल बैलेंस को, यहाँ पे अभी तक 6000 लिखा हुआ है, इसने अपने पास लोकल बैलेंस को कर दिया 500 और इसने अब जाके इसको जब राइट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो जुल्म हो गया, ना इंसाफी हो गई बोल से, ठीक है। सो यू लॉस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द थ्रेड दैट अराइव्ड फर्स्ट। थोड़ी देर पहले कहा था ना कि रेस कंडीशन इसको कहते हैं, लेकिन ये रेस उल्टी है, जो स्लो चलेगा वो आखिर में तेज चलने वाले के डाटा को ओवरराइड कर देगा। इस जगह पे क्योंकि आपके पास ये थ्रेड जो है इसके अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, ये अपनी कंप्यूटेशन यहाँ पे करता है, ठीक है, लेट्स से टैक्स मैक्स कैलकुलेट करने, बहुत सारे काम करने, और फिर आखिर में एक दफा बैलेंस ऊपर ग्लोबल में राइट करता है, ठीक है। थिंक ऑफ दिस ग्लोबल वेरिएबल एज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल, तवज्जो से सुने इस बात को, थिंक ऑफ दिस ग्लोबल वेरिएबल एज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल बट सम फील्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आखिर जब हम कहने ना कि राइट इट बैक, तो दैट्स एन इंसर्ट क्यू, या यूं कहने कि अपडेट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरीज देख ली है ना सबने, ठीक है, इट्स एन अपडेट क्यूरी, आपने इवेंचुअली उसको परसिस्टेंट स्टोरेज में डालना है, तो एक भी अपडेट कर सकता है, दूसरा भी अपडेट कर सकता है, ठीक है जी। तो दिस इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम इन डेटाबेसेस, आपके पास ये देखने दुनिया जहान के जो बैंक बैलेंसेज वगैरह और अकाउंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोग तो विड्रॉ नहीं करते, आपके अकाउंट में से भी, या बड़े बड़े जो कंपनीज के अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है, अक्सर ट्रांजेक्शन से बारी होती है, तो दिस इज अ वेरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी इस वजह से दी जाती है क्योंकि ये होता है हमेशा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सही कंडीशन थी वो हमने बता दिया कि एक सही कंडीशन है, और इसके अंदर और जितनी किस्म की इंटरलीविंग आप बना सकते हैं सारों के सारों से प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। ये कोड है आपके एक थ्रेड का और वो कोड है आपके दूसरे थ्रेड का, जी ये आपके पास थ्रेड का, यूं समझें कि थ्रेड इज अ फंक्शन, वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसके लोकल वेरिएबल्स में आपने 500 कैलकुलेट कर लिया है, बट यू नीड टू पुट इट इन द डेटाबेस एज वेल, रैम में तो नहीं रहेगा ना, डेटाबेस में भी रखना है, ठीक है। जी एक वेरिएबल नहीं है, दो अलग अलग वेरिएबल है, ये बात, ये वो जो फोर्थ वाली बात की थी उसको ध्यान में रखें कि यू आर गोइंग टू हैव टू कॉपीज ऑफ दिस प्रोग्राम या थ्रेड या जो वट एवर इट इज, ठीक है, दो अलग अलग चल रहे हैं, दोनों के अपने अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। वो पी आई डी वाली चीज़ ज़रा में रिफ्रेश करें थोड़ी सी, ठीक है जी। क्या होता है जी आपको एक असाइनमेंट दूंगा, एक असाइनमेंट में दूंगा आप लोगों को, जिसमें यू विल सी दैट इफ यू रन इट लाइक 1000 times यू विल नेवर गेट द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभी गलत हो जाता है, हमेशा गलत होता है, कई रेयर, कहीं कोई दुनिया जान की कोई रेयर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर आपको सही जवाब मिल जाए, वरना हमेशा गलत जवाब आता है। यहाँ पे तो इस तरह लग रहा है ना कि हम जानबूझ के इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरलीविंग इतनी ज्यादा है कि वो मसला हमेशा आता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी आता है। आमतौर पर इशू यही है कि यहाँ पे अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके ना देखें तो यू थिंक कि भाई ये तो ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि किताब में चैप्टर है और हमें पढ़ने की जरूरत है इसकी, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना ये मसला आएगा नहीं, तो एक एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, नेवर विल यू गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है, रन करके देख लेंगे आप, इसीलिए मैं वो असाइनमेंट दे रहा हूँ, तैयार है मेरे पास, मैं सेट कर दूंगा, यू विल रन इट एंड यू विल नेवर गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेवर पे समझते हैं ना, कभी भी सही नहीं आएगा, अगर कहीं सही आ जाए तो मुझे उसकी स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे भाई ये आ गया सही, ठीक है, आज तक कभी एटलीस्ट मेरे पास सही नहीं आया, तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस। इवेंचुअली यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ कोड, इवेंचुअली चाहे नीचे जो कुछ भी करते हैं, आखिर में यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्यूरी, गेट द वेरिएबल फ्रॉम द डेटाबेस, सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूट करेंगे और अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आखिर में ये तीन लाइनें आपके पास जरूर आएंगी, चाहे आप और जो कुछ भी बनाते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट तो करना है ना, यस, इफ यू डू इट लाइक दैट तो उससे मसला आ जाता है, लेकिन दिस अगेन इज एन एग्जांपल,
ठीक है। जी 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 इसको इस तरह देखें, अकाउंटिंग कौन कौन ले रहा है जी, कौन कौन ले चुका है, मतलब सारे हो गए ना कवर अकाउंटिंग। सो इफ़ यू हैव अ बैलेंस शीट यू डोंट कंप्यूट द बैलेंस शीट एट दी एट रन टाइम। बहुत बड़ी जब आपके पास मल्टीनेशनल्स होती हैं, आप ये नहीं कहते कि मुझे बैलेंस शीट दे दो और वो उस टाइम पे नहीं कंप्यूट करता, क्योंकि बैलेंस शीट्स इतनी बड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि यू नीड टू कंप्यूट दैम प्री हैंड एंड स्टोर दैम, ताकि जब चाहिए हो तो वो तैयार पड़ी हो। रन टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें कंप्यूट नहीं कर सकते। आप जब उसको कहते हैं ना कि मुझे बैलेंस कंप्यूट करके दो, तो वो जब से आप पैदा हुए आपका अकाउंट बना है वो तब से अभी तक की सारी चीज़ें कंप्यूट नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव द एक्चुअल बैलेंस सेव्ड समवेयर ताकि फ़ौरन जवाब मिले, ठीक है। यू कैन नॉट कंप्यूट एवरीथिंग एवरी टाइम, ठीक है, वरना जो ATM अभी 5 मिनट लगाता है ना काम करने में, फिर वो 50 साल लगा के आपको ठीक है। मसला समझ आ गया जी। सो इसको यहाँ पे आके बस रोक लेते हैं यहाँ पे, इसे आगे नहीं चलता जी, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझें। सो अगेन यू नीड टू गो बैक एंड लुक एट द एग्जांपल, ठीक है, मसले को देखें, मसला कहाँ पे आया है, उस मसले का इलाज करने की जो कोशिश की उसमें क्या मसला है, तो मसले ही मसले हैं अभी तक फिलहाल, ठीक है। इसका जब आखिर में जाके सारी कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द नीड, जब इसका आखिर में हम बहुत सारे इसके अजीबो गरीब किस्म के सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, फजूल फजूल करेंगे, ठीक है, एक बनाएंगे और कहेंगे ये काम नहीं करता, फिर दूसरा बनाएंगे ये काम नहीं करता, तीसरा बनाएंगे ये काम नहीं करता, चौथा बनाएंगे ये काम नहीं करता, आखिर में जो सोल्यूशन निकलेगा ना वो इतना सा सोल्यूशन है, ठीक है, इट्स लिटरली लाइक टू लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको समझ होनी चाहिए कि ये क्यों काम करता है और बाकी क्यों काम नहीं करता, ठीक हो भाई, कोई सवाल है तो पूछो।